करती हुई यहाँ तक कैसे आप पहुँची और क्या करना चाहती? जी बिल्कुल, मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ था और मैं बंगाली हूँ जैसे कि आपको पता है, और भाषाओं का मुझे बहुत ही शौक़ है पहले से ही, शुरू से ही मुझे आई लव लैंग्वेजेस। तो मुझे बहुत क्रेज़ था कि किसी भी प्रांत किसी भी प्रदेश में मैं जाऊँ तो वहाँ की जो खासियत है वहाँ की जो भाषा है वहाँ के जो बोल है वो मैं अडॉप्ट करना हमेशा मुझे अच्छा लगता है, यू नो। सो आई हैव बीन डूइंग दैट, और जिसका असर मेरे सिंगिंग में बहुत पड़ा है क्योंकि मैं 16 भाषाओं में गा चुकी हूँ और बहुत ही हेल्प किया है ये जो मेरा पैशन है लैंग्वेजेस को लेकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और भी अलग अलग भाषाओं में गाऊँ और अलग अलग फिल्मों में गाती रहूँ, जैसे कि मेरी अभी मराठी फिल्म रिलीज़ हुई है, तेलुगु फिल्म रिलीज़ हुई है, उड़िया मूवी में मैंने अभी गाया है, राजस्थानी और बहुत सारी भाषाएं। तो यू नो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। और जर्नी की बात आप करो तो मैं डिज़ाइनर थी पहले, और मैंने डिज़ाइनिंग किया और अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद बॉम्बे आई एज एन इंटर्न, डिज़ाइन इंटर्न थी मैं, और यहाँ पर मैंने 2 साल काम भी किया एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे मैं रंगों से खेलती थी और अभी मैं सुरों से खेलती हूँ, तो काफ़ी डिफरेंट फील्ड है ये, और कम्प्लीटली डिफरेंट है बिकॉज़ ये बॉलीवुड है, ये फिल्म इंडस्ट्री है, और फिल्मों में गाना मतलब एक बहुत ही बड़ा सपना होता है किसी भी कलाकार के लिए, और मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग, यू नो, सिंगिंग इन फिल्म। अर्पिता, स्टार्ट करो। अर्पिता, एक बना बनाया करियर तो करियर था आपके पास, हाँ, एक बना बनाया करियर था आपका, तो कितना रिस्क आपने, मतलब एक होता है कि सेटल लाइफ है डिजाइनर की यहाँ पे, बिल्कुल, तो रिस्क टेकिंग, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये एब्सोल्युटली, मन में आया नहीं, मतलब मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये जो परिवर्तन आया मेरे लाइफ में ये बहुत ही ये होना ही था, जो आप डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, हम लोग मानते हैं भाग्य डेस्टिनी या जो भी हो, तो मेरी डेस्टिनी में शायद यही लिखा था, और जबकि डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छे से चल रहा था। जी हाँ, देखिए रिस्क फैक्टर होता ही है, लेकिन मुझे लगता है आप जब तक अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करते हो तब तक आपके ड्रीम्स ही रह जाते हैं। तो मैंने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की पूरी ठान ली थी, और इस वजह से एक बना बनाया करियर और एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड करियर को मैंने छोड़ के एक बहुत ही अनस्टेबल करियर, जहाँ पे मैं इस इंडस्ट्री में मैं किसी को भी नहीं जानती थी, मतलब मैंने शुरुआत एकदम स्क्रैच लेवल से ही किया, तो मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल था ये डिसीजन लेना, लेकिन बोलते हैं ना कि डेस्टिनी, जिसको मुझे गाना ही था और मुझे फिल्मों में ही गाना था, तो बस धीरे धीरे सफ़र तय करती गई और कारवा बनता गया। सबसे पहले आप ब्रेक की बात करें, कहाँ पे मिला था, किसने आपको ब्रेक दिया था सबसे पहले गाने का यहाँ मुंबई में? ऐसे तो मैंने गाना शुरू किया 2011 में मुंबई में, और मैं बहुत गाने लगी, लाइक लोकल मैंने बहुत सारा काम किया, टी सीरीज़ के लिए बहुत सारे गाने गाए मैंने, उनके जो एल्बम्स होते हैं, और जिंगल्स बहुत सारे गाए मैंने, फेयर एंड लवली का आपने जिंगल सुना होगा, और बहुत बड़ी बड़ी जिंगल्स मैंने गाए हैं, और उस वो करते करते मेरा सफ़र शुरू हो चुका था, और 2013 में मुझे मेरा पहला बड़ा गाना ब्रेक जिसको बोलते हैं मिला, फिल्म सत्याग्रह, और आपको पता है वो उस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी थे, और मेरा गाना रस के भरे तोरे नैन करीना कपूर और अजय देवगन पर पिक्चराइज्ड था, तो वो मेरे करियर का पहला गाना था बॉलीवुड में, मेरा डेब्यू सॉन्ग था, तो उस तरह से शुरुआत हो गई मेरी फिल्मों में,
और मेरी दूसरी फिल्म थी रागिनी MMS 2, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है, जो आपको पता है इसके गाने बेबी डॉल और चार बॉटल वोडका बहुत ही फेमस गाने हैं। तो इस फिल्म में मेरा एक गाना था जिसको लोरी बोलते हैं, लोरी ऑफ डेथ, डरावनी लोरी थी और बहुत ही खूबसूरत गाना था। तो क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया, लोगों ने पसंद किया। और इस फिल्म में सनी लियोन थी और उन पे ये गाना पिक्चराइज था। और इसके बाद अभी मेरी फिल्म आ रही है बेजुबान इश्क और गाना रिलीज़ हो गया है, आप लोगों ने सुना होगा, टाइटल ट्रैक है और ये मैंने गाया है जावेद अली जी के साथ और बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही खूबसूरत है। ऑफकोर्स आई वुड लव टू। एक बहुत ही फेमस ठुमरी है रस के भरे तोरे नैन, जिसको मॉडर्न वे में इसको प्रेजेंट किया गया था, सो आई वुड लव टू सिंग इट फॉर यू। रस के भरे तोरे नैन सावरिया, रस के भरे तोरे नैन, रस के भरे तोरे नैन सावरिया, रस के भरे तोरे नैन, तड़पत हूँ दिन रैन सावरिया, तड़पत हूँ दिन रे, रस के भरे तोरे नैन सावरिया, रस के भरे तोरे नैन, रस के भरे तोरे नैन सावरिया, रस के भरे तोरे नैन, तड़पत हूँ दिन रैन सावरिया, तड़पत हूँ दिन रैन, तड़पत हूँ दिन रैन सावरिया, तड़पत हूँ दिन रैन, बिन देखे नाही चैन सावरिया, बिन देखे नाही चैन, ओ रस के भरे तोरे नैन सावरिया, रस के भरे तोरे नैन। थैंक यू सो मच। इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो उस कंपटीशन को आप अपने ऊपर कैसे लेते हैं और किस किस को तो अपने मतलब चैलेंज मानते हैं, कौन कौन से कंपटीटर मानते हैं? जी आपने सवाल बहुत ही अच्छा पूछा और मैं सच्ची बताऊं, आज तक मैंने एक ही पर्सन को अपना कंपटीटर माना है और वो मैं खुद हूँ। मैं अपने आप को ही अपना कंपटीटर मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, वो मेरी खुद से अपनी प्रतियोगिता है। और मैंने कल जो गाना गाया उससे बेहतर मैं आज गाऊँ, यही मेरी चैलेंज है, यही मेरा संकल्प है और इसी को मैं मानती हूँ। एंड सो दिस इज़ माय बिगेस्ट कंपटीशन अपने आप से। और बाकी मुझे लगता है कि सबके जॉनर्स, सबके स्टाइल्स अलग होते हैं, सबकी टोनल क्वालिटी अलग होती है। मोहित चौहान का गाना अलग है, अरिजीत सिंह का गाना अलग है, तो कोई भी किसी का अपने अपने शेयर्स सबको मिलते हैं इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी है, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मेरा कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं है सिवाय अपने आप से। जो संगीत के फॉर्मेट चेंजेस हैं, पुराना ज़माना था, नया ज़माना, तो किस तरह से देखती हो बड़े चेंजेस को? अभी शुक्र है कि म्यूज़िक का जो एक नया रेवोल्यूशन आया है पिछले एक दो सालों से, वो बहुत ही बेहतरीन है। बिकॉज उससे पहले जो गाने बन रहे थे नए ज़माने के, वो इतना लोगों तक असर नहीं कर पा रहे थे वो गाने। और अभी जो गाने बन रहे हैं, टच वुड, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुरीले गाने हैं, बहुत ही दिल को छूने वाले गाने हैं, सुकून वाले गाने हैं। जो एक्चुअली जो संगीत होता है वो आप किसी डिस्कोथेक में जाके दैट पार्टी सॉन्ग, वो आपके प्लेलिस्ट में एक दो महीने तक रहता है, उसके बाद उसका नामोनिशान नहीं रहता। बट जो जैसे कि आशिकी 2 के गाने थे, वो आज भी सबके प्लेलिस्ट में होते हैं मौजूद, क्योंकि मेरे हिसाब से वही मेन संगीत है। और बॉलीवुड ने अभी बॉलीवुड में जो ये चेंज आया है संगीत को लेकर,
बहुत ही खूबसूरत बदलाव है और मेरे ख्याल से ये रहे और होपफुली मैं भी ऐसे बहुत सारे गाने गाऊं। अभी जैसे मेरी फिल्म आ रही है बेजुबान इश्क, उसमें जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत ही खूबसूरत है और सबके दिलों को छूने वाला गाना है और सबके प्लेलिस्ट में रहने वाला गाना है। तो जाएंगे वो आप गाना में सुना, बिल्कुल अनकहा अनछुआ अनकहा अनछुआ बेजुबा इश्क ये क्या कहे ले जाएगा कहाँ, बेजुबा इश्क ये बेजुबा इश्क ये बेजुबा इश्क ये बेजुबा इश्क ये। आपको लगता है कि अब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, जैसे जैसे फिल्म मार्केट बढ़ रहा है तो संगीत और सिंगर्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं या घटी, क्या लगता है? जैसे कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। आपको अगर लगे कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो आपको मिलेंगे ही, और अगर आपने मन बना लिया हो कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है तो फिर वो नहीं मिलते। मेरे हिसाब से मैंने हमेशा यही सोचा है कि मेरे लिए बहुत सारे गाने बने हैं और मैं बहुत सारे गाने गा रही हूँ। हर दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एक नया गाना, और मेरे ख्याल से यही अपॉर्चुनिटी है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे हिसाब से, और आजकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है आवाज़ के साथ, नए सिंगर्स को मौका मिल रहा है, नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मौका मिल रहा है, नए लिरिसिस्ट आ रहे हैं। तो आजकल कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है जैसे पहले ज़माने में होता था कि दो तीन सिंगर्स हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, और दो तीन म्यूज़िक डायरेक्टर्स ही होते थे जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या मदन मोहन या इस तरह के। बट आजकल का जो दौर है वो एक्सपेरिमेंट का दौर है, और पूरी इंडस्ट्री ने न्यू कमर्स को बहुत ही वार्म वेलकम किया है। तो आजकल ये मायने नहीं रखता कि जो सिंगर गा रहा है वो नया हो या पुराना, इस्टेब्लिश्ड हो या आपका बहुत बड़ा नाम हो या फिर आपने बहुत सारे गाने गा लिए हैं, वो मायने नहीं रखता। आपका टैलेंट कितना है और आप में कितनी काबिलियत है, आप कितनी खूबसूरती से अपने गाने को लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, वही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी चेंज है जो बहुत ही सुंदर बदलाव आया है इंडस्ट्री में। किन लेजेंडरी सिंगर्स को आप फॉलो करती थी जब आप छोटी थी और उनसे क्या सीखा? मैंने अनुराधा पौडवाल को बहुत फॉलो किया है, वो मेरी सबसे पसंदीदा सिंगर थी बचपन में, और अनुराधा आंटी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं और एक कंप्लीट प्लेबैक सिंगर जिसको बोलते हैं, वो मैंने उनसे सीखा है। जो प्लेबैक सिंगिंग के जो इंट्रिकसीज हैं, जो बारीकियां हैं, मुझे उनकी आवाज़ बहुत ही पसंद है। एकदम मधु, मतलब एक हनी जैसी उनकी आवाज़ है, और मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। ऑफकोर्स आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, इनको मैंने आइडल के हिसाब से सुना है बहुत इनको, कविता कृष्णमूर्ति जी। हमारे इंडस्ट्री के जितने भी प्लेबैक सिंगर्स है वो काबिले तारीफ़ है, और सब ने अपनी अपनी जगह बनाई है, सब ने अपना अपना इम्प्रेशन छोड़ा है अपने हमारे दिलों में, और ऑफकोर्स मैं भी उनसे बहुत प्रभावित हुई हूँ। बट या आप मुझे बोलोगे तो मैंने अनुराधा जी को बहुत फॉलो किया है। तो आपकी जोनर में रहना पसंद करेंगी, एक ही जोनर में करेंगी या वर्सेटाइल बनने की? मैं एक्चुअली बहुत वर्सेटाइल सिंगिंग में बिलीव करती हूँ, क्योंकि आप एक तरह का नहीं गा सकते हो। आपको हर एक कैरेक्टर में, हर एक फिल्म में कैरेक्टर्स अलग होते हैं, और उस किरदार में आपको अपनी आवाज़ किस तरह से आप उसको ढालते हो और उस कैरेक्टर के साथ आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो वर्सेटाइलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं, जैसे कि मेरी तालीम क्लासिकल सिंगिंग से मैंने सीखा है, मेरी मॉम का स्कूल है म्यूज़िक का, और वो बहुत ही बड़ी क्लासिकल सिंगर हैं, और मैंने उनसे सीखा है क्लासिकल। और इंडियन क्लासिकल सीखते सीखते, वेस्टर्न सुनते सुनते, अभी मेरा अपना खुद का एक स्टाइल हो गया, जो आप बोल सकते हो मिक्स
जिसको आप फिल्मी स्टाइल आप बोल सकते हो, बिकॉज इस स्टाइल को मैं और कोई नाम नहीं दे सकती, फिल्मी आप बोल सकते हो, बिकॉज फिल्म के गाने और जिस तरह से सिचुएशन आता है, रोमांटिक सॉन्ग हो या फिर जैसे रागिनी MMS 2 में मेरा गाना डरावना सा था, एकदम लोरी थी और डरावनी लोरी थी, उसका बिल्कुल स्टाइल अलग था। सत्याग्रह में सेमी क्लासिकल सिंगिंग थी, अभी बेजुबान इश्क में रोमांटिक सॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से हर तरह का गाना, एक प्लेबैक सिंगर को गाना आना चाहिए, वही प्लेबैक सिंगर होता है, यू नो। कभी ऐसा मौका आया कि नहीं करना बॉलीवुड हिट करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ हर चीज़ को लेकर, लाइफ में मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। और ये फिल्मों में गाना मेरे लिए अभी मेरी लाइफस्टाइल बन गई है, मेरी पहचान बन गई है, और मैं प्लेबैक सिंगर हूँ। आई एम अ बॉर्न प्लेबैक सिंगर आप बोल सकते हो। जब मैं 4-5 साल उम्र की थी तब से मैं गाती थी, और जब भी प्लेबैक सिंगिंग की बात आती थी तब मैं, जैसे फीमेल पार्ट्स होते थे तो मैं उसमें अपना यू नो पार्ट्स गाती थी। तो मैं बॉर्न प्लेबैक सिंगर हूँ आप बोल सकते हो। तो मेरे लिए क्विटिंग तो इम्पॉसिबल है, और क्विट करना आई डोंट थिंक कोई बहादुरी का काम है। आपकी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना आए, आपको अपनी मेहनत से और अपने लगन से उसको निभाते रहना चाहिए। हम जाइए जी, आप मराठी में भी गाती हैं, मुझे कई लैंग्वेजेस में, तो एक गाना में मराठी में आप सुनाए। बोले हाँ, मराठी। मेरी फिल्म आई थी हुतुतु, और मराठी फिल्म थी, और उसमें मेरा गाना था लाड़ी गोड़ी, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस गाने को आप तक पहुँचाऊँ। मौसम हा तर प्रेमा चा, लव यू बोला, माफ करा हा बंद्याला, लव यू बोला, मुझे बार बार करो प्यार प्यार, ये ना जावर थोड़ी, नन्ना रे ना रे ना, नको लाड़ी घोड़ी, हर घड़ी फसायला, आहे कामी वेड़ी, हा हा रे हा रे हा, कित्ती लाड़ी घोड़ी, हर घड़ी फसायला, तुझी चमी वेड़ी। कितनी वर्सेटाइल हो रही हैं अब, आगे के प्रोजेक्ट्स कुछ बताएं, क्या कर रही हैं आगे, और बेजुबा इश्क के अलावा? बेजुबा इश्क के बाद मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, तकरीबन 20-25 गाने मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, सब फिल्मों के लिए, अलग अलग मूवीज़ हैं, और सभी लगभग सब बिग बैनर मूवीज़ हैं। बट जैसे कि आप जानते हो, हमें ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं होता जब तक गाने रिलीज़ ना हो, लेकिन काफ़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं अभी, और अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, और बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, तो सब मेरे दिल के बहुत करीब है वो गाने। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता सकती हूँ, जो मैं नॉन फिल्मी जो कर रही हूँ उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। मेरा एक सिंगल एल्बम आ रहा है, मगन उसका नाम है, और अभी दुबई में उसकी शूटिंग हो रही है जुलाई में, और गाना बन चुका है, पार्टी सॉन्ग है, और बिल्कुल अलग है जो मैं अब तक मैंने आपको जितने भी गाने सुनाए हैं उससे बिल्कुल ही अलग है। और मगन डेफिनेटली मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। सिंगर है मुज्तबा मलिक, जो पाकिस्तानी सिंगर है और जो रहते हैं मिडिल ईस्ट में, तो उनके साथ ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल, तो बहुत ही खूबसूरत गाना है। एंड फैमिली तो मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि बहुत ही सपोर्टिव रही है मेरी फैमिली, और सबसे बड़ी चीज़ है मुझे लगता है जो मेरी तालीम है, वही सबसे बड़ा मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरी मॉम खुद एक सिंगर हैं और उन्होंने मुझे सिखाया है, और मेरी आवाज़ गॉड गिफ्टेड है, पेरेंट्स गिफ्टेड है, तो मैं इसी बात को लेके मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ अपने फैमिली को, हमेशा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं गा पा रही हूँ। बाकी इस सफ़र में जो मेरी जर्नी थी, मैं क्रेडिट्स में
देना चाहूँगी अपने आप को, अर्पिता को, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, मैंने अपने आप को संभाला है, मैंने अपने आप को सपोर्ट किया है, और मुझे लगता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को कितना पुश कर सकते हो, कितना सपोर्ट कर सकते हो. तो मैंने वो किया है और आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव रीच्ड दिस लेवल. कभी लाइफ में कोई ऐसा शो कर रही हूँ आप जिसमें आपको बहुत अप्रिशिएशन मिला हो, कोई फैन आके कुछ ऐसा बोला, कोई ऐसा मोमेंट? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे शोज़ मैं करती हूँ जहाँ पे लोगों के दिल तक मेरी आवाज़ पहुँचती है. और ऐसा एक दो बार हुआ है कि मुझे बैक स्टेज आके मिले लोग. बच्चे तो खैर बहुत ही मेरे जो फैंस होते हैं वो तो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं. लेकिन मुझे याद है कि एक ओल्ड लेडी थी और उनको उन्होंने जब मेरा गाना सुना और वो आई बैक स्टेज और वो रोने लगी और उन्होंने मुझे हग किया और उन्होंने मुझे बोला कि आज मेरे लाइफ का सबसे डिप्रेसिंग डे था और मैं आई और मैंने आपको सुना और मैं इतनी खुश हूँ और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आई आपकी वजह से, और इस तरह से गाते रहो और इस तरह से आप सबको, सबके दिल को छूते रहो, यही मेरी दुआ है. और मेरे लिए वो वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं और मुझे बहुत ही, खुद मैं बहुत भावुक हो गई थी उस सिचुएशन को लेकर. देखिए, जैसे नए दौर के सिंगर्स बोलोगे तो हमारे जो एक जनरेशन पुराने, जैसे सुनिधि और श्रेया, इनका एक जनरेशन था. अभी नए जो सिंगर्स आए हैं वो भी बहुत ही प्रॉमिसिंग सिंगर्स हैं. तो सब अपना अपने जगह पे अच्छा कर रहे हैं और मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कॉम्पिटिशन अपने साथ ही होता है. और मैं सबको अच्छा मानती हूँ और मुझे लगता है सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड या आई कीप लर्निंग फ्रॉम एवरीबॉडी एंड हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना और कुछ ना कुछ अपनी गायकी में इम्प्रूवमेंट लाना मेरे लिए, यू नो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऐसे बहुत गाने हैं जो कि मुझे एकदम मेरे दिल को बहुत ही छूते हैं, बट ऐसा एक गाना है तू ही रे बॉम्बे फिल्म से, जो कि मुझे, मैं जितनी बार भी सुनूं मुझे लगता है कि कम है. और AR रहमान साहब, आप जानते हैं उनको, उनका म्यूज़िक एकदम मैजिकल होता है, तो ये गाना भी बिल्कुल मेरे लिए एकदम मैजिक से कम नहीं है. तू ही रे, बिल्कुल बिल्कुल. चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तो, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, आ जा रे, यूँ ही तड़पाना तू मुझको. थैंक यू सो मच. ऑडियंस भी आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखती है, कुछ समय बाद फॉलो भी करने लगती है, तो आपके भी फेसबुक और सोशल मीडिया पे आप कितना एक्टिव हैं? ओ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और इनफैक्ट मेरे बहुत फैन फॉलोइंग अभी बढ़ गई है सोशल मीडिया में. लोग बहुत ही पसंद करने लगे हैं मुझे और मेरी आवाज़ को, और ये मेरे लिए बहुत हाई वाली फीलिंग है, यू नो, आई गेट अ हाई, यू नो, बाय दैट. और सो या, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, यू नो. लास्टली, ऑडियंस को कोई खास मैसेज देना चाहेंगे और लास्टली जाते जाते एक गाना भी हमको सुना दें? बिल्कुल बिल्कुल. कहना चाहेंगे क्योंकि ऑडियंस भी चाहती है कि आप उनसे कुछ बात करें? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप सुनते रहिए मेरा म्यूज़िक और फॉलो करते रहिए मुझे. और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी नए नए गाने आप तक पहुँचा पाऊँ,
और आप इसी तरह से मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए और या इस तरह से सुनते रहिए. थैंक यू सो मच. दो क्वेश्चन के साथ मैंने पिक्चर आपकी देखी, तो वो क्या जैसे कि मैंने बोला आपको, मैं कुछ भी अभी आपको रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं. लेकिन अब्बास मस्तान जी ने बहुत ही तारीफ की, उन्होंने मेरा गाना सुना बेज़ुबान इश्क में और उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि यू नो इट्स ब्यूटीफुल और हमारे पूरे एल्बम को उन्होंने बहुत पसंद किया और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं भी जाने वाली थी उस कॉन्सर्ट में. हाँ, तोची जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और उनकी सिंगिंग मुझे बहुत ही पसंद आती है क्योंकि उनका जो सूफियाना स्टाइल है, उनकी जो उनका कलर बिल्कुल अलग है और जैसे उनके गाने कबीरा और यू नो इकतारा जो कि बहुत ही फेमस गाने हैं, एकदम यू नो दिल को छू जाते हैं. और ही कीप्स डूइंग एक्सपेरिमेंटिंग विद हिज स्टाइल और उन्होंने अभी हाल ही में नेपाल के लिए बहुत बड़ा सा गाना बनाया है, उनकी प्रोजेक्ट है. और तो मुझे लगता है कि ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड सिंगर और बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. जी हाँ, पहले मुझे बुलाया गया था जो बेज़ुबान इश्क का स्क्रैच गाने के लिए, जो हम लोग रफ गाना बोलते हैं, और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर बबली हाक, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने पहले इसका रफ वर्जन गाया था. उसमें सिर्फ छोटा सा ही पार्ट था, जैसे मेरा पार्ट था, न जानू मैं न जाने वो कोई करे भी तो क्या करे, कब हुआ क्यों हुआ बेजुबान इश्क ये, बेजुबान इश्क ये, बेजुबान इश्क ये, बेजुबान इश्क ये. बस मैंने इतना ही पार्ट गाया था जो रफ जो हमारी स्क्रैच थी, तो उसमें मैंने इतना ही पार्ट गाया था. उसके बाद तकरीबन मेरे ख्याल से एक महीने बाद हमने पूरा गाना फाइनल रिकॉर्ड किया और तब मुझे पता चला कि जावेद अली मेरे साथ ये गाना गा रहे हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं जावेद अली और आपको पता है वो कितने वर्सटाइल और कितने अच्छे सिंगर हैं, तो उन्होंने उनके साथ मैंने ये गाना गाया. बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ आपको फास्ट. जैसे कि आपको पता है मेरी फिल्म रागिनी MMS 2 में मैंने गाना गाया है, उसका एक बहुत ही फेमस गाना जो कि मेरे ख्याल से सबको पसंद है, बच्चों से लेकर यू नो बुढ़ों तक, एवरीबडी लव्स द सॉन्ग बिकॉज एक बार वो गाना शुरू होता है सब नाचने लगते हैं. मेरे जितने भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, जितने भी शोज़ होते हैं, ये इस गाने के बिना वो कंप्लीट नहीं होता है. तो मैं चाहूँगी मैं दो लाइनें आप तक पहुँचाऊँ. सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले लखा, ए तक दिया रहंदी आखा, ए तक दिया रहंदी आखा, मैं की दसा अपनी वे चन करदा है तरीफा, हो मेरे हुसन दे कोने 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 दी, हो कोने कोने दी, हो कोने कोने दी, हो बेबी डॉल मैं सोने 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 दी. ये दुनिया पित्तड़ दी, ये दुनिया पित्तड़ दी, ये दुनिया पित्तड़ दी, हो बेबी डॉल मैं सोने 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 दी. Thank you so much. Thank you.